तो गाइस अपन ने अब तक बात कर ली है कूलम्स लॉ की, उसके वेक्टर फॉर्म की भी, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ। सबसे पहली बात, कूलम्स लॉ हर पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन ध्यान रहे कि चार्ज हमेशा सिर्फ पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब कूलम्स लॉ में जिस भी चार्ज की अपन बात करेंगे, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ वेरी स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट इज, इट इज ओनली वेरीफाइड बिटवीन 10^-15 मीटर्स से लेके 10^-18 मीटर्स। इसका मतलब ये हमारे पास एक मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज हो गई। इस रेंज के बीच में कूलम्स लॉ एक्चुअली वेरीफाइड है। अगर इससे कम या इससे ज्यादा लेते हैं तो वहां पर कूलम्स लॉ सक्सेसफुली अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था? इनवर्स स्क्वायर लॉ सेज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ये अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। यहाँ पर थोड़ा सा खास बात ध्यान देने लायक रहेगी कि अगर मैं एफ ई अज्यूम कर लेता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एफ जी को अज्यूम कर लेता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैलकुलेट करूं तो उन दोनों का रिलेशन आता है Fe बराबर 10^-42 Fg। सिमिलरली अगर मैं ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन निकालता हूं दो प्रोटॉन्स के लिए, तो दो प्रोटॉन्स के लिए रिलेशन आता है Fe बराबर 10^-36 Fg। एंड फाइनली अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लेता हूं तो मुझे वैल्यू मिलती है Fe बराबर 10^-39 फोर्स ऑन ग्रेविटेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में ये पूरे पॉइंट्स? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं अबाउट द रिलेटिव परमिटिविटी। हमने अभी अभी इतने टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर ऐसा मीडियम दे दिया जाता है जो हमारे लिए शायद अननोन हो, तो ऐसे मीडियम के लिए हम एक तीसरा टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है बेसिकली इट्स अ रेशियो बिटवीन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर मे बी वैक्यूम, जिसको हम ई या ई नॉट से इंडिकेट करते हैं। इसी रेशियो को हम बोलते हैं ई आर, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी को भी हम लोग के से ही इंडिकेट करते हैं, पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम लोग ER से ही इंडिकेट करके चलेंगे, वरना आप इस K को भी अज्यूम कर लोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वाला, है ना? गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, तो उस गलती को सुधारने के लिए अपन ने उसको ER से मेंशन कर दिया। इस ER को हम रिलेटिव परमिटिविटी के अलावा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को भी कॉल करते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी अज्यूम करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर, इसके अलावा किसी पर नहीं। अगर मीडियम बदलेगा तो ER भी बदल जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बदल जाएगा। दोस्तों ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी, इंसुलेशन या उसके सब सेमी कंडक्टर होने पर बात करता है। कैसे? बोर्ड पर देखते हैं अपन। इस K की जनरल कुछ वैल्यूज मैंने यहां पर मेंशन कर रखी हैं, जिनको आप याद कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जांपल के तौर पे एयर के लिए इट इज ऑलमोस्ट, एयर या वैक्यूम दोनों के लिए इट इज ऑलमोस्ट 1, जैसा आप देख सकते हो 0.0002 और 00 वैल्यूज हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वाटर के लिए इट इज 81, सेरामिक मटेरियल के लिए इट इज 1200, जबकि मेटल, किसी भी मेटल के लिए अगर आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेजर करोगे तो इट इज इनफाइनाइट, वो इनफिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल, इसीलिए उनकी वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यहां पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनफिनिटी। जबकि किसी भी माइका मटेरियल या ग्लास मटेरियल या फाइबर्स की बात करें अगर, तो उनके लिए होती है 5 से लेकर 20 के बीच की एक रेंज है हमारे लिए। ठीक है, K की अगर अपन बात कर रहे हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना खराब वो बैड कंडक्टर होगा, मतलब कंडक्टिविटी खत्म होती जाएगी, कंडक्टिविटी खराब होती चली जाएगी, इट बिकम्स बैड कंडक्टर। सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो सॉलिड्स के लिए K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ T मतलब है टेम्परेचर, T टेम्परेचर को सिंबलाइज कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बढ़ता जाएगा। सिमिलरली लिक्विड्स के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे थर्मल, वैसे वैसे इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम होता चले जाएगा। आया समझ में इतना? गाइस अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। जब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वी हैव टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस।
हम देखना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी को जब हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के बाद वो चार्जेस उसके ऊपर कैसे फैल जाते हैं, कैसे बैठ जाते हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहली वैरायटी है डिस्कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको जब मैंने इलेक्ट्रिकली चार्ज किया तो चार्ज जाकर अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वांटिटीज में बैठ गया। क्योंकि यहां पर चार्ज एक जैसा नहीं रह पाया है, इसलिए मैंने इसको कॉल किया डिस्कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यही काम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर करता तो आई वुड हैव कॉल्ड इट एज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जब बात कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की आती है तो हमारे पास तीन डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं इसके, कौन कौन से? लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो आइए इन तीनों को एक एक करके जानते हैं हम। पहला इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब एक वायर हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, या एक वायर को या एक रिंग को जब मैं इलेक्ट्रिकली चार्ज करता हूं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के बाद वो सारे चार्जेस इसके सरफेस पर जाकर बैठ जाते हैं। दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज जाके बैठ तो गया, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतनी सी जगह का उस चार्ज की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो मेरे लिए अगला टर्म यूज होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम यहां इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट लेंथ, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पर, छोटी सी लेंथ पर कितना चार्ज बैठा होगा वो उसकी डेंसिटी बताएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके रेफरेंस में इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। सिमिलरली, अगर मेरे पास सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में मैं अगर किसी भी सरफेस को, किसी भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज करता हूं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के बाद चार्जेस उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब मुझे उसके सरफेस की चार्ज की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंडिकेटेड बाय सिग्मा ओवर हियर, व्हिच इज गिवन बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। जी हाँ दोस्तों, यूनिट एरिया में कितना चार्ज बैठा है यह बताएगा हमें उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसके रेफरेंस में उसकी यूनिट हो गई कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑन द कॉन्ट्ररी, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर अगर हमारे पास पहले से मौजूद एक सॉलिड है, जिसके दो एग्जांपल्स मैंने यहां लिए हैं, एक सॉलिड क्यूब भी हो सकता है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है। तो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या एक क्यूब के लिए जैसे ही मैं चार्जेस से उसको इलेक्ट्रिफाई करता हूं, तो क्या होगा, वो चार्जेस जाके उसके अंदर बैठ जाएंगे। एंड इन दैट केस मैं उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम पर, इतनी छोटी सी जगह के वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा वो हमें बताएगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इंडिकेटेड बाय रो। एंड इसी के रेफरेंस में दोस्तों इसकी यूनिट हो गई कूलम पर मीटर क्यूब। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम लैम्डा को कई बार डिफरेंशियल फॉर्म में भी इंडिकेट करते हैं, जैसे dq by dl, या सिग्मा को dq by dA, और या रो को dq by dV। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट्स के अंदर पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज लेट मी नो, आप मुझे बताइएगा। आगे इसी तरह से आप लोग आगे सब्सक्राइब करते रहें, और थैंक यू वेरी मच।